अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाना फ्लेवर लिया है और वनीला फ्लेवर लिया है, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है, ये 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, 1.5 किलो दूध लिया है, ये 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी ली है, और ये 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस चॉप करके रखे हैं वो डालूँगी इसमें, और ये मैं थोड़ी सी कलर्ड सेवइयां ली हैं वो डालूँगी इसमें, और ये मैंने दूध रखा है, ठंडा दूध रखा है कस्टर्ड मिक्स करने के लिए, और ये 2 मैंने बनाना लिए हैं वो गार्निशिंग के लिए। तो चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये दूध हमारा बॉयल होता है तो दूसरी तरफ हम सेवइयों को बॉयल करते हैं। चले जी, ये मैंने बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई ली है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें मैं सेवइयों को बॉयल करूँगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी पानी। पानी हमारा थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी। पानी हमारा नीम गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी। सेवइयाँ डाल दी हैं मैंने, तो मैं 1-2 चम्मच मैं ये डाल दूँगी ऑयल, ताकि हमारी सेवइयाँ आपस में जुड़े ना, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। सेवइयाँ हमारी गल गई हैं, जितनी हमें चाहिए थी वो उतनी गल गई हैं, तो अब मैं इसका पानी रिमूव कर लेती हूँ। सेवइयों का मैंने पानी रिमूव कर लिया है, इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया, तो अब ये साथ चिपकेंगे ही नहीं। तो चले फिर दूध की तरफ चलते हैं। दूध हमारा पकना शुरू हो गया, तो अब मैं इसमें ये ब्रेड डाल दूंगी, ब्रेड के जो स्लाइस मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दूंगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको 7 से 8 मिनट तक हमने पकाना है। अब मैं साथ ही चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी सेवइयाँ जो मैंने बॉईल करके रखी हैं, और मज़ीद इसको हम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। दूध हमारा पक रहा है, उतनी देर हम ये नहीं, मैंने 1.5 किलो से थोड़ा सा दूध रखा था, ठंडा दूध, तो अब इसमें ये मैं कस्टर्ड डालती हूँ। ये मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, 2 चम्मच ये डाल दूँगी। और 2 वनीला फ्लेवर डाल दूंगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को मैंने कम कर दिया है, तो अब इसमें ये मैंने अच्छे से कस्टर्ड मैंने मिक्स कर लिया, ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। तो अब मैंने आंच को स्लो किया, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और चम्मच को मज़ीद चलाते रहेंगे हम। कस्टर्ड मैंने डाल दिया, अभी इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट मुझे मज़ीद हो गए हैं कस्टर्ड को पकाते हुए, तो अभी मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी, तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा, तो ये मैंने बस 1 से 2 मिनट और पकाना है, तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड में आप इलायची पाउडर या इलायची वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, बच्चों को और मुझे भी इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इलायची को अवॉइड करती हूँ। और हमारे घर में स्वीट भी कम ही बनती है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये मैंने पिछली बार जो आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर की थी, तो मेरी बड़ी आपी को बहुत पसंद आई थी, तो आज मैं उनकी फरमाइश पे ये कस्टर्ड बना रही हूँ।
तो मैंने कहा चले फिर आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, तो ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई किए। कस्टर्ड को मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट और पका लिया, तो जितना मुझे थिक चाहिए था ये हो गया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो का एंड तक देख लिया करें, ये आपका बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करें और मुझे लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे। तो ये कस्टर्ड हमारा जितना थिक चाहिए था वो हो गया। तो अब मैं इसको चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, तो अब इसी को मैं थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, तो फिर इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था, तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, क्रीम मुझे अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये दूध वाली बलाई ली है, तो इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया फ्रीज़र में रख के। तो अब इसको मैं कस्टर्ड में डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बलाई डाल के तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया, सर्विंग बाउल ले लिया। जेली ये मैंने ग्रीन फ्लेवर्ड जेली ली है बनाना, ये तो सबको बनानी आती है। ये मैंने 2 कप पानी डाला था और एक जेली ली थी, उसको अच्छे से मिक्स किया था, तो ये हमारी जेली बन गई है। तो सर्विंग बाउल में सबसे पहले मैं थोड़ी सी जेली डाल दूँगी, जेली डालने के बाद इसमें मैं बनाना डाल दूँगी थोड़ा सा जो मैंने काट के रख लिया। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कस्टर्ड, कस्टर्ड को मैंने सर्विंग बाउल में डाल के तो सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीजर में रखा था। तो अब इसके ऊपर मैं ये जब डाल दूंगी जेली, ग्रीन कलर की मैंने जेली डाली है, ये एक मैंने बड़ा सा एक शेप दिया इसको कटोरी की, और साथ में मैं डाल दूंगी ये बनाना। ये देखिए जी गार्निशिंग हो गई है, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है कस्टर्ड। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।